कभी लोग पूछते हैं कि भाई आत्मसम्मान कैसे बढ़ाए, या लो सेल्फ एस्टीम रहती है, अपने आप को बहुत कम समझते हैं, फिर काम नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो क्या है? या अहंकार जो है, ईगो, वो क्या होता है? तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा, स्पेशली आत्मसम्मान के बारे में, लो सेल्फ एस्टीम, आत्माभिमान या स्वाभिमान के बारे में। क्या है कि आत्मसम्मान जो है, आत्माभिमान, मैं खुद को अच्छा समझता हूँ, खुद ने खुद को समझना, खुद ने खुद को पहचानना और अपने नज़रों में अपनी कीमत क्या है उसका एहसास होना, उसको बोलते हैं आत्मसम्मान। क्या है कि लोग अपने को क्या बोलेंगे, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने मुझे फलाना करना चाहिए, लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, वो है ईगो का, ईगो की भूख। आत्मसम्मान मतलब अपना अपने बारे में क्या मत है, और बहुत लोगों का अपने बारे में बहुत ही घिना, नीचे गिरा हुआ मत रहता है। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे से ना हार्डवर्क नहीं होता, मेरी इंग्लिश बहुत ही कच्ची है, गणित तो मुझे आता ही नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे बहुत ही भोला समझते हैं, मैं भोला हूं, मैं कंपटीशन नहीं कर सकता, मैं भाग नहीं सकता लोगों के साथ में, तो मेरा ये नहीं अच्छा, मेरा वो नहीं अच्छा, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ मेरे में, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना लोग अच्छे हैं, मैं देहात में रहता हूँ, मैं बड़े सिटी में रहता नहीं हूँ, मुझे वो आता नहीं है, मैं कॉम्पीट नहीं करता, काफ़ी सारे अपने बारे में ऐसे लो विचार रहते हैं, लो थाट्स रहते हैं। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखो बच्चे तो ऐसा नहीं बोलते रहता ना, डेढ़ दो साल का बच्चा है, ढाई साल का बच्चा है, जैसा जैसा वो बड़ा होना शुरू होता है तो आप देखो आपके बचपन में क्या हुआ, और ये सब लो सेल्फ एस्टीम जो है उसका बचपन में कुछ उसकी जो जड़ है वो वहाँ से शुरुआत हो गई। क्या होता है, कुछ तो भी घटना हो जाती है, समथिंग हैपन्स, कुछ तो भी होता है और उसको फेस नहीं कर पाता है बच्चा, उसको लगता है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग हियर, यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है मेरे में, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है कि दिमाग में बोलता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं और मैं पूरा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ। बच्चा बड़ा होते रहता है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आती रहती है कि जहां उसको धक्का बैठा है, जहां उसका अपमान किया जाता है, जहां उसको चाहिए वो मिलता नहीं है, मार पड़ती है, जो भी कुछ है, कोई तो भी ऐसी बहुत बड़ी घटना होती है और उस समय उसको लगता है कि यहां मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं हूं, मैं तो अकेला हूं, आई एम ऑन माई ओन, कि मैं अकेले हूँ, मेरे कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई भी घटना हो जाती है उसको लग जाता है, कभी कभी और कोई घटना हो जाती है और लगता है कि नहीं मैं उनमें का नहीं हूँ, मेरे को अलग कर दिया उन्होंने, एक टीम बना लिया, मेरे को अलग कर दिया, बाहर कर दिया, मेरे को बाहर खड़ा कर दिया, यानी मैं कुछ तो भी अलग हूँ और कम हूँ, इसलिए मेरे को उन्हें बाहर निकाल दिया। हो सकता है कि आपको ड्रामा में नहीं लिया, हो सकता है कि आपको इन टाइम में टीम से निकाल दिया, उससे भी ऐसा हो गया होगा कि आपको लगता है कि मैं उनमें का नहीं हूं। फिर पालक जो है, माँ बाप, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा रही, एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस को वो खरा उतरा नहीं, तो फिर लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, क्योंकि लगता है कि अपन कितना भी दौड़े तभी मैं तो वहां पूरा पहुंचने वाला हुई नहीं, वहां तक तो मैं हासिल कर ही सकता नहीं, फिर वो गेम छोड़ देता है। पालकों को लगता है कि नहीं 80% 85% मार्क होना है, लगता है कि नहीं इतना तो संभव ही नहीं है, फिर वो रिजाइन हो जाता है और वो छोड़ देता है। हाँ, उसको 60% बोले तो जीत जाएगा, कर लेगा, 70 जीत जाएगा, 85-90 नहीं होगा, तो उससे फिर लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। कुछ कमेंट्स बड़े लोग पास करते हैं, तेरे को अक्ल नहीं है, तू समझता नहीं है, क्योंकि साधा आता नहीं, कैसा रे तू, तो ऐसे कमेंट्स पास करना, तो उससे भी उसको घिनापन आता है अपने बारे में कि अपन इनफ नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ। फिर लेबलिंग करना, मतलब तू मूर्ख है, तू ना गधे का बच्चा है, कुछ से भी ऐसा मतलब बोल देना कि जो उसको एक लेबल लग जाता है और वो लेबल कैरी करता है दिमाग में। तो लेबलिंग जो है, बच्चों का लेबलिंग करना, उसको कुछ तो भी एक लेबल लगा देना, वो ठीक नहीं है, तो ना बहुत ही डरपोक है, लेबल लगा दिया तो वो चिड़चिड़ा है,
लेबल लगा दिया। तो ये लेबल लगाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई एक तो लेबलिंग नहीं करना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इससे भी लो सेल्फ एस्टीम होता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब क्या है, तू ऐसा करेगा ना तो आगे चल के तू डेफिनेटली फेल हो जाएगा। ये किसने बताया? ये इस तरह की पढ़ाई नहीं करेगा, इस तरह का बर्ताव करेगा तो आगे चल के डेफिनेटली फेल हो जाएगा। तू ऐसा करेगा ना तो आगे चल के तू पढ़ाई कर ही सकता नहीं, तो ऐसा करेगा ना पढ़ाई तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा करेगा ना तो कभी स्टेज पर जा ही सकेगा नहीं। मतलब ऐसी भविष्यवाणी करना कि जो बाद में सचमुच हो जाएगी, तो वो सेल्फ एस्टीम करती है। फिर बचपन में बहुत अब्यूजिव नेचर, अब्यूज करना मतलब सेक्सुअल अब्यूज, लैंगिक अत्याचार करना है ना, लैंगिक शोषण, और जिसकी वजह से लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है कि मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया, मेरे ऊपर कुछ तो भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा उसको लगता है, सेक्सुअल अब्यूज। फिर नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना बच्चों की, बहुत ज़्यादा आलोचना करना, कुछ भी किया तो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, अच्छा बोलना ही नहीं, और जब अच्छा बोला ही नहीं जाता, बार बार आलोचना की जाती है तो उसको लगता है कि यार अपन कोई काम के है नहीं, कि मैंने कुछ भी किया तभी अच्छा तो बोलने वाले नहीं है, तो मैं करता ही नहीं और मैं चुप बैठता हूँ। तो ये सब कारण है कि लो सेल्फ एस्टीम क्यों है। लो सेल्फ एस्टीम हो गई तो आपकी एक्शन लो हो जाती है, एक्शन लो हो गई तो रिजल्ट कम आते हैं, रिजल्ट कम आ गए तो फिर लो सेल्फ एस्टीम होती है, और लो सेल्फ एस्टीम हो गई तो फिर लो एक्शन होती है, और वो चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो उसके लिए क्या करें? नंबर एक, बार बार देखो कि आपके निगेटिव थॉट्स या आपके बोलना जो है आपका वो कहाँ निगेटिव होते जा रहा है, तुरंत उसको पॉजिटिव करते जाओ। मुझे इतनी अक्ल नहीं है, मैं समझता ही नहीं हूँ, ऐसा दिमाग में विचार आ गया, तुरंत बोला नहीं मुझे अकल है और मुझे सब समझता है, तुरंत बोलो। तो जो भी निगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो, रिफ्रेम करो, और अपने आप से बोलो, आईने के सामने खड़े रहो और वहां जाके बोलो। नंबर दो, खुद के बारे में हरदम पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलो, जो आपके पास में है उसके बारे में सकारात्मक बोलो। क्या अपना क्या रहता है यूजुअली कि जो नहीं है उसके बारे में फोकस करते, उसके ऊपर ख्याल जाता है और उसके बारे में नहीं बोलते रहते, तो नहीं, जो है उसके बारे में सकारात्मक बोलना है, उसको एक्नॉलेज करना है और उसके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना है कि आज मेरे पास में जो जो है, मेरे पास में बुद्धि है, मेरे पास में पैसा है, मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास में कार है, मेरे पास में मकान है, सब कुछ मेरे पास में है, तो जो जो है उसकी लिस्ट बनाओ, ना कि जो लिस्ट बनती है हमारी ऑटोमेटिकली कि जो नहीं है तो वो नहीं बनाने का है, जो नहीं हो बाजू रखो, जो है उसकी लिस्ट बना के उसके ऊपर फोकस करो, जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे वो बढ़ता हो जाएगा। नंबर तीन, लोगों की मदद करना चालू करो, लोगों को टाइम दो, लोगों को सलाह दो, लोगों को कोचिंग दो, लोगों को ट्यूशन दो, लोगों की मदद करो, जो भी जिस जैसे भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो वैसे लोगों को सपोर्ट करना चालू करो, पैसा दे सकते हो तो पैसा दो। क्या था कि जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे लोगों के जीवन में, योगदान करेंगे, उतनी अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ते जाती है। नंबर चार, आपकी एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनाओ कि जो पॉजिटिविटी फैलाने वाला है, और वो समुदाय पॉजिटिविटी फैला के आप उसमें हो और बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि वहाँ निगेटिव बोलने वाला कोई रहेंगे ही नहीं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे को ऊपर खींचने वाले ना कि नीचे खींचने वाले लोग रहेंगे। नंबर पाँच, फिट रहो, फिजिकल फिटनेस से अपने को अच्छा लगता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, रोज एक्सरसाइज करो, खाना पीना कंट्रोल में रखना है, और आप फिट रहते हैं तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान बहुत बढ़ा हुआ रहता है। नंबर छः, बहुत ज़्यादा यदि निगेटिव थाट्स आ रहे हैं, कोई सूझ नहीं रहा है, बार 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 वही हो रहा है, खुद के बारे में भी ऐसा लग रहा है, वो काम रुक दो, काम रुक के निकल जाओ और कोई काम चालू करो, बाद में फिर लगे तो वापस आ जाना, क्योंकि वहीं अपन फंस गए एक बार तो अंदर अंदर घुस जाते हैं और निगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। नंबर सात, लोगों को नो बोलना चालू करो। यूजली क्या होता है कि हम नो बोलते नहीं है,
जबरन यस बोलते हैं, फिर अपने आप को कोसते थे क्या मैंने नो बोलना चाहिए था, मैंने क्यों हाँ बोल दिया, अब करना पड़ रहा है ऐसा सीधा। सो डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। जब नो बोलना है तब नो बोलो, जब हाँ बोलना है तब हाँ बोलो। नंबर 8, छोटे छोटे चैलेंजेस ले लो। कहते हैं कि बहुत बड़ा गोल रखा और वो अचीव नहीं हुआ तो आदमी डाउन हो जाता है, तो इससे बदले ऐसा है कि छोटा गोल रखो, अचीव करो, उससे आपको अच्छा लगेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा गोल लो, फिर वो अचीव करो, उससे बड़ा गोल लो और अचीव करो, धीरे 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 आप जब अचीव करना चालू करेंगे आपको अच्छा लगेगा और फिर आप बड़े गेम में नेचुरली आ जाएंगे। ये सभी उपचार आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका आत्मसम्मान एक अलग ऊंचाई पर चले जाएगा, आपकी एक्शंस अलग होंगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेंगी, आपका जीवन बहुत खुशहाल शांतिपूर्ण हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।